मौसम था, जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। चिंता थी तो सभी पक्षियों को भोजन की। चिड़िया बहन, बारिशें होने से जंगल की जमीन बहुत जरखेज हो गई है, क्यों ना हम अपने घरों के पास कोई खेती कर लें? कबूतर भैया, आइडिया तो ठीक है आपका, परंतु हम खेती करें भी तो किस चीज की? चिड़िया, मेरे पास कुछ दाने मकई के हैं और ये मौसम भी मकई की फसल के लिए ठीक है, क्यों ना हम मकई की खेती कर लें? ऐसे हमें पूरा साल भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो मकई हमारी जरूरत से ज्यादा होगी, हम जंगल की बड़ी मंडी में जाकर बेच देंगे, ऐसे हमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे सोचते हुए चिड़िया और कबूतर अपने घरों के पास मकई की फसल बोने की तैयारी करते हैं। कबूतर हल चलाकर जमीन नरम कर रहा था, जब कौवा और कौवी वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये आप क्या कर रहे हैं? गौरी बहन, हम अपने लिए मकई की फसल बो रहे हैं। बारिशें अच्छी हुई है ना, इसलिए इस बार खेती भी अच्छी ही होगी। कालू, बात तो चिड़िया ठीक कर रही है, क्यों ना जो खेत हमारे घर के पास है, हम भी वहाँ जाकर कोई फसल बीज दें। चिड़िया, क्या आपके पास मकई के कुछ बीज हैं? नहीं कालू भैया, हमारे पास तो थोड़े से ही बीज थे, वो भी कबूतर ने बचा कर रखे हुए थे। कालू, चलो हम तुम्हारे मामा जी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं हम किस चीज की खेती करें, वो हमें कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कौवा और कौवी अपने मामा जी की तरफ चले जाते हैं, चिड़िया और कबूतर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अगर खेती करनी है तो प्याज की खेती करो, जंगल की मंडी में प्याज की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और प्याज की फसल से मुनाफा भी ज्यादा होता है। मामा जी, प्याज का बीज हमें कहाँ से मिलेगा? वो तुम मुझसे ले जाओ, बस 2000 प्याज मुझे दे जाना। तुम्हारी मामी जी को प्याज बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी प्याज देखकर। क्यों नहीं मामा जी, आप हमें बीज दे रहे हैं तो हम भी आपको प्याज दे जाएंगे। तो फिर ये लो बीज और जाकर जमीन अच्छे से तैयार करके इन्हें बीज दो। फिर गौरी और कालू प्याज का बीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर के पास जाकर वो प्याज के बीज बो देते हैं। अब कालू जी, मुझे तो बेचैनी से इंतजार रहेगा कि कब हमारे प्याज तैयार होते हैं और हम अपने प्याज बेचकर अमीर होते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी प्याज की फसल बेचकर अच्छा सा नया घर बना लेंगे और मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने भी। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया और कबूतर की मकई की फसल भी उग आती है। कबूतर भैया, चलें, हमारी फसल अब उग गई है, हम जाकर अपनी फसल को पानी लगा देते हैं। चिड़िया बहन, हमारी फसल पूरे जंगल में सबसे अच्छी है, अब हम अच्छे से रक्षा करेंगे अपनी मकई की फसल की। ऐसे चिड़िया और कबूतर अपनी मकई की फसल को पानी देते हैं। चल गोरी, जाकर अपने खेत की सफाई करें, अगर खेत की सफाई ना की तो फसल अच्छे से नहीं होगी। कालू, तुम भी पागल ही हो, हम किसी दूसरे पक्षी से काम करवा लेते हैं और जब हमारी प्याज की फसल बिकेगी तो हम उसे बेचकर पैसे दे देंगे उस पक्षी को। ये बात भी ठीक है, क्या जरूरत है हमें कबूतर और चिड़िया की तरह मरने की। मैं अभी जाता हूँ और कोई पक्षी ढूंढ कर लाता हूँ जो हमारे खेत की सफाई करे। फिर कालू कौवा जंगल में एक दूसरे पक्षी के पास जाता है। तोते, क्या कोई काम करोगे? मैं हूँ तो आजकल फारग ही, अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तो फिर मेरे साथ चलो, हमारे प्याज के खेत की सफाई करना है। क्या दोगे तुम बदले में मुझे? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जब मेरी प्याज की फसल बिकेगी तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ऐसे तोता मान जाता है और वो कौवे के साथ जाता है। तोता सारा दिन काम करता है और कौवे के प्याज के खेत की सफाई करता है। कौवा और कौवी सारा दिन घर में सोए रहते हैं। तोते,
बेटे कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊँ यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं आज कव्वे के साथ गया हुआ था कव्वे के प्याज के खेत की सफाई करने। क्या मजदूरी ले ली है कव्वे से? नहीं यार, मजदूरी तो उसने उधार कर ली है। वो कह रहा है कि जब मेरी प्याज की फसल पिकेगी तो मैं फसल बेचकर तुम्हें मजदूरी दूंगा। वो कव्वे बहुत बड़े फरादी हैं। जब फसल पिकेगी तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। चिड़िया बहन क्या करता, मैं फारग ही बैठा था। उसने काम का कहा और मैं उसके साथ चला गया। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब चिड़िया और कबूतर की फसल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। उनका पूरा खेत मकई की फसल से भरा हुआ था। चिड़िया बहन, हम अब अपनी फसल काट लेते हैं और जाकर मंडी में बेच देते हैं। वो अपनी मकई की फसल काटना शुरू करते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी ही फसल काटी थी कि वहाँ कालू कव्वे का मामा आ जाता है। वाह वाह चिड़िया और कबूतर, तुम्हारी मकई की फसल तो बहुत अच्छे से तैयार हुई है। मामा जी, हमने बहुत मेहनत की है अपनी फसल के लिए। दिन रात काम किया है और अब हम अपनी फसल मंडी में बेचने जा रहे हैं। ना ना, ऐसा ना करना। तुम दोनों अपनी फसल को कहीं छुपा कर रख लो। जब मकई महंगी होगी तो फिर बेचना, ऐसे मुनाफा ज्यादा होगा। ना मामा जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे फसल का भंडार करना ठीक नहीं है। कालू का मामा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर अपनी फसल काट कर मंडी में ले जाते हैं और बेच देते हैं। गोरी और कालू भी अपने प्याज जमीन से निकाल निकाल कर ढेर लगा रहे थे जब उनका मामा आता है। मामा जी, आप अच्छे समय पर आए हैं। आज हम इकट्ठे ही मंडी जाएंगे और अपनी प्याज की फसल बेच कर आएंगे। मामा जी, अच्छी फसल हुई है हमारी, अब हमें खूब मुनाफा होगा। तुम भी पागल ही हो, अब मंडी में हर तरफ प्याज ही प्याज है। तुम अपनी फसल छुपा कर रख लो और जब प्याज कहीं से नहीं मिलेगा तो फिर बेचना अपने प्याज, फिर देखना दुगना मुनाफा होगा। मेरे मामा जी का दिमाग तो बहुत तेज है। चल कालू, हम अपने प्याज ले जाकर घर में एक कमरे में छुपा कर रख लेते हैं और प्याज महंगा होने का इंतजार करेंगे। अगर अपने मामा की बात मानोगे तो दुगना मुनाफा लोगे। वो ऐसा ही कहते हैं। वो सारा प्याज अपने घर के एक कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं जब कालू का मामा फिर से आता है। गोरी और कालू, जल्दी करो, जल्दी अपने प्याज को बोरियों में डालो और मंडी ले चलो। इन दिनों मंडी में प्याज की फसल बहुत थोड़ी रह गई है, अब मुनाफा अच्छा मिलेगा। अब तो हम नया घर लेंगे। और मैं सोने के गहने। फिर जब वो अपने प्याज वाले कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका तो सारा ही प्याज खराब हो चुका है। सारा प्याज गल सड़ गया था, वहाँ से बू आ रही थी। वो दोनों ये देख रोने लग जाते हैं। मामा जी, ये क्या हो गया, हम लूट गए, हमारा प्याज खराब हो गया। मामा जी, इससे तो अच्छा था हम कबूतर और चिड़िया की तरह आपकी बात ना ही मानते। ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए। इसीलिए लालच बुरी बात है।